दौसा जिले के मटलाना गांव में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। तीन युवक बाइक पर सवार होकर मटलाना गांव में एक शादी समारोह में आए थे और शादी समारोह से जब वापस अपने अपने गांव में जा रहे थे, इसी दौरान सड़क के किनारे एक बिना मुंडेर के कुएं में उनकी बाइक गिर गई और तीनों युवक भी उसमें गिर गए। रात के समय ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद झापदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से तीनों युवकों को कुएं से बाहर निकाला और लालसोट अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दिलकुश महावर नामक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक को दौसा रेफर कर दिया, वहीं दूसरे युवक का लालसोट अस्पताल में उपचार जारी है। इधर हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के किनारे बिना मुंडेर का कुआं लंबे समय से है और बार बार ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी को अवगत करा दिया है, उसके बावजूद भी इस कुएं को ना तो बंद कराया गया है और ना ही मुंडेर लगाकर जाल लगाया गया है, इसी कारण यह हादसा हुआ है। कि ग्राम मटलाना में बच्ची की शादी थी अपने कोड़ी समाज के, तो दुब्बी से बारात आई थी। ये तीन युवक बाइक पे सवार थे, अनियंत्रित होने से बाइक ये इसमें जेरे में जाके गिर गए। इस संबंध में हमने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी पहले भी और जिला कलेक्टर को एस डी एम साहब को भी अवगत करा रखा है कि भाई ये जेरा है, मावर समाज के थे, दुब्बी से आई थी बारात। एक युवक सामान्य चोटें, ज़्यादा गंभीर नहीं है। करवाया ना मैंने, करवाया ये ग्राम पंचायत ओदाली में आता है खन, पर मैंने व्यक्तिगत भाई ये रास्ता है ये 8-10-15 गाँव के बोणी तक रास्ता जाता है। इस संबंध में मैंने प्रशासन को कई बार पीडब्ल्यूडी आईन को भी फ़ोन पे अवगत करवाया और प्रशासन के एसडीओ साहब को पहले लिख के दिया है। मैंने कलेक्टर साहब को एक आज मेल के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि कुएं की छपाई होनी चाहिए, जिससे जनहानि नहीं हो और लोग सुरक्षित रहे, और इसको तत्काल प्रभाव से कुएं को सही करवाएं जिससे आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आओ। सूचना मिली कि कोई तीन लड़के हैं जो सूखे कुएं में गिर गए हैं। इस इत्तला पर हम मौके पर पहुंचे, मैं हमराही जापता के, तो जाके देखा तो ग्रामीण उनको रस्सियों की सहायता से बाहर निकाल रहे थे और जिनमें दो लड़कों को तो होश में थे और एक लड़का था जो थोड़ा बेहोशी की हालत में था, उसको हमने एम्बुलेंस बुलाकर बुलाई। तब तक उससे पहले उसके परिजन थे, जो भी परिचित थे, वो उसको वहाँ से ले जाकर लालसोट हॉस्पिटल ले गए। अब इसमें कोई ख़त्म हुआ है? हाँ, इसमें दिलकुश उर्फ रामराज नाम का लड़का ख़त्म हो गया है। बाकी दो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और एक को दूसरा रेफर कर दिया है।